चलिए बॉयस, अब इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, स्वतंत्रता समता के अधिकार पीछे बातें नहीं, समता और स्वतंत्रता के अधिकार के बाद अब एक अधिकार आता है हमारा, क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का मतलब होता है कि कोई भी कार्य जबरदस्ती या गलत तरीके से करवाना, उसके खिलाफ भी हमारा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा अनुच्छेद 23 से 24 तक कहां पर वर्णित है? 23 से 24 तक। और इसमें पहले अनुच्छेद 23 क्या बोलता है कि बलात्श्रम का प्रतिषेध। बलात्श्रम का मतलब कि किसी भी बलात् का मतलब बालक, किसी भी व्यक्ति, किसी भी बालक से जो कि 14 साल से कम है उससे जबरन कोई भी कार्य नहीं कराया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये उम्र उसकी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की है। संविधान संशोधन के तहत उम्र कराई गई थी, उम्र 6 से लेकर कितना 14 वर्ष, कि किसी भी व्यक्ति को, किसी बच्चे को 6 से 14 तक के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। यानी अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में जो 23 है, जो कि आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, कहता है कि बलात्श्रम का प्रतिषेध, कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी दुकान वाला, जो भी छात्र सॉरी जो भी बच्चा 14 साल से कम उम्र का है उससे वह कार्य नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि यहां पर उसके शिक्षा का अधिकार क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। सीधी सी बात है, कोई भी बच्चा अगर स्कूल के टाइमिंग में वो किसी कार्यस्थल पर कार्य करेगा तो वो पढ़ेगा कब? यानी उसको प्राथमिक शिक्षा नहीं मिल पाएगी, इसीलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखना। लेकिन आपको बता दें, सरकार की नज़र में, सरकार के पीठ पीछे ये काम तो होते हैं। आप देखिए, हर दुकान में बच्चा लगाई नहीं रहता, ये चाय बेचने जो आते हैं आपके यहाँ बता, ठीक है, हमारे यहाँ नहीं आता भाई, हमारे यहाँ चाय देखो नहीं बेचने आते, बाकी दुकानों में चाय बेचने आते हैं। लेकिन क्या करें, घर की स्थिति ऐसी, वो मजबूर है। लेकिन संविधान कहता है कि किसी भी छात्र से कोई कार्य नहीं होगा। ऐसा क्यों? हमारे देश की क्या, देश का क्या इतिहास रहा है? आपको बता दें कि जो भी लड़का या लड़की पुराने समय में किसी घर या किसी दुकान में कार्य करते थे तो उनका बहुत ज्यादा शोषण हुआ करता था, शिक्षा का अभाव हुआ करता था। और संविधान ये मानता है या बूढ़े बुजुर्ग ये मानते हैं कि अगर शिक्षा का अभाव होगा तो अभद्रता ज्यादा आएगी, सभ्यता घटेगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि पहले शिक्षा दीजिए, शिक्षा देने के बाद क्या करिए, कार्य कीजिए, ठीक है। तो हमारा आर्टिकल 23 क्या बोलता है? बलात्श्रम का प्रतिषेध। दूसरा, कारखानों आदि में बच्चों का नियोजन का प्रतिषेध, कि जो भी बच्चा 14 साल से कम उम्र का है उसको किसी भी इंडस्ट्री कारखानों में उसको कार्य नहीं करने दिया जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि कारखाने में कार्य करना बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। मान लीजिए कोई लड़का अगर सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो सीमेंट से उड़ने वाला जो ऐश होता है, धूल होती है, वो इसके फेफड़े में जा सकती है, नतीजा उसको लंग्स कैंसर हो सकता है। जब हमारा देश आजाद हुआ और आजाद होने से पहले भी जो छोटे छोटे बच्चे थे जो कारखानों में, कोयले की खदानों में, लोहे की खदानों में, सोने की खदानों में कार्य करते थे, तो एक तो उनके जीवन बहुत ज्यादा खतरा था भाई, हो सकता है कि अगर खदान ढह जाए तो दब जाए उसमें, या पहाड़ी से गिर जाए, या कोई मशीन उनको लग जाए। और जैसे कोयला की खदाने हैं, सीमेंट की खदाने हैं, और जैसे आप बोल सकते हो इसका लोहे की खदाने हैं, तो यहाँ से भस बहुत आती थी, भस जानते हैं ना, धुआं फेफड़ों में जाता था, नतीजा बच्चों की उम्र के हिसाब से उनके अंदर बहुत ही जल्दी लंग कैंसर आ जाया करता था। और बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं, आगे चल के मतलब बिजनेस करते हैं, नौकरियां करते हैं, देश को चलाने का काम करते हैं। तो इसीलिए सरकार ने संविधान में मौलिक अधिकार डाला कि हर बच्चे का यह अधिकार है कि वह शिक्षा ग्रहण करे और 14 साल तक कार्य ना करे, कोई भी जबरदस्ती कारखाने में उससे कार्य नहीं करवा सकता। क्लियर है चीज? कारखानों में और खदानों में और आप हो सकते हो मशीनरी वर्क, कोई भी उसे नहीं करा सकता। इसलिए आपको बता दें कि सरकार इसमें बहुत ज्यादा सख्त भी है। आपको बता दें कि सरकार कभी, सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं पुलिस वगैरह या फिर चाइल्ड डिपार्टमेंट के, तो वो भ्रमण करते रहते हैं और दुकानों पर चेक करते रहते हैं, और जहां पर भी नियम का उल्लंघन हुआ उस दुकान का चालान भी काटते हैं और उस दुकान वाले को जेल भी भेजते हैं कि आप जो है 14 साल के कम उम्र के बच्चे से यहाँ पर कार्य करवा रहे हैं, ये तो आर्टिकल 23 और 24 का क्या है, उल्लंघन है, जाइए जेल। ऐसा होता है, क्लियर है? ओके, आगे
आगे क्या देखे, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, हमारे देश का पंथ निरपेक्ष वाला हिस्सा, धर्म की स्वतंत्रता, और इतना बड़ा हिस्सा कि यही देश है कि हमारा देश रंग बिरंगा देश और सेकुलर यानी सभी धर्मों को मान्यता देने वाला देश कहलाता है। हमारा धर्म किसी एक धर्म का, हमारा देश किसी एक धर्म का नहीं है, अपितु हमारा देश सभी धर्म के लोगों की बराबर इज्जत करता है। ये कहने का मतलब है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, ठीक है। इसमें देखिए क्या बोला गया है, ए किसी भी धर्म को मानने का, उसका आचरण करने का, उसका प्रचार करने का अधिकार, आर्टिकल 25, यानी भारत की बाउंड्री के अंदर 135 करोड़ जनसंख्या में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अपना सकता है, उसको आचरण कर सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि सनातन धर्म, मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म, इसमें क्या होता है कि सभी लोग अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए होर्डिंग लगवाते हैं, विशेष देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और आपको बता दें बहुत पहले से ही इसको मानना स्टार्ट कर देते हैं, मनाना स्टार्ट कर देते हैं। यानी भारत में सभी व्यक्ति को यह आज़ादी है, भारत में सभी व्यक्ति को यह आजादी है कि वह किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है। आचरण मतलब जो भी उसके नियम कायदे कानून है उस पर चल सकता है, और प्रचार का मतलब उसका क्या कर सकता है, प्रचार कर सकता है। आपने देखा कि जैसे मुस्लिम धर्म की बात करें तो मुहर्रम, ताजिया ये सब निकलती है, मुहर्रम ताजिया, और अगर अपने हिंदू धर्म की बात करें तो जैसे हमारा एक धर्म बहुत बड़ा सनातन धर्म की बात करें तो एक बात एक होता है ना, कांवड़ है ना, पूरा जो है रोड में पैदल चलेंगे कांवड़ लेके, जल लेके, ये हमारे धर्म की बात है, सनातन धर्म की बात है। फिर ईसाई धर्म में देखा आपने गुड फ्राइडे और क्रिसमस मनाया जाता है, और उसमें आपने देखा होगा सिख धर्म में बैसाखी बहुत बड़ा और बहुत पवित्र त्यौहार है, बैसाखी नई फसल के आने पर, है ना। ओके आगे देखिए इसमें क्या है, इसी के अंदर क्या है, किसी भी धर्म को मानने का, आचरण प्रचार करने का अधिकार किसमें है, आर्टिकल 25 में। ये ध्यान दीजिएगा, आज तो इस तरह की राजनीति होने लगी है कि ये जो अपने आप में कट्टर हिंदू, अपने आप में जो है कट्टर मुसलमान, कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है या ये देश सिर्फ मुसलमानों का है, ये वैसे लोग करते हैं जिन्होंने आर्टिकल 25 से लेके 28 तक पढ़ा ही नहीं। और ऐसे राजनेता भी जो बात करते हैं, मैं कहता हूं कि आप अपने आप को बहुत बड़े राजनेता हो, एक बार संविधान पढ़ के देखिए, ये देश तुम्हारा खाली अकेले का नहीं है, ये देश 135 करोड़ जनसंख्या का है जिसमें सिख, ईसाई, पारसी, हिंदू, मुस्लिम सब भाई भाई। आपने देखा होगा बहुत सारी बात चलती है कट्टर हिंदू, अरे काय का कट्टर हिंदू, खाने के लिए तो अनाज ही चाहिए, हिंदू खिला दोगे क्या, खाने के लिए तो अनाज ही चाहिए, नौकरी करने के लिए दिमाग चाहिए, पैसे चाहिए, जो भी चीज आएगी वो पैसे से आएगी। आप कहीं भी किसी भी दुकान में बोल दीजिए मैं कट्टर हिंदू, मुझे 1 किलो चावल, देगा क्या कोई, नहीं देगा, कोई मतलब है इस चीज का, कोई मतलब नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा कि धर्म पर तोड़ने की बात ये राजनेता लोग ही करते हैं, कोई भी हमारा पड़ोसी चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, कभी नहीं बोलता कि आ भाई तुम मुझसे लड़ क्योंकि तू कट्टर हिंदू है, मैं कट्टर मुसलमान, आ लड़, ऐसा बोलता है क्या, नहीं, कभी नहीं देखा होगा आपने। जाति धर्म के हिसाब से लोगों को उकसाना, लड़ाई करवाना, वोट बैंक बनाना, ये सब पॉलिटिकल पार्टी का काम है। कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति अगर वो पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में ना पड़े तो उसके अंदर कभी भी ये भावना आ ही नहीं सकती कि मैं अपने दोस्त जो कि मुस्लिम है उससे लड़ जाऊं। बताइए आपके यहाँ पे क्लास में बहुत सारे लोग ऐसे आपके दोस्त होंगे जो मुस्लिम होंगे तो क्या लड़ जाते हो क्या, नहीं, कभी अगर दिक्कत में होगा तो सीधा चीर के उसके साथ हल कर दोगे अपनी, ऐसे आपके अंदर भावना है। लेकिन हमारी ये भावना कौन बिगाड़ देता है, राजनीतिक बॉडी पर, और हम बिगड़ दिख जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर शिक्षा का अभाव है। आपको बता दें जो अपने आप को कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान या कट्टर सिख बोलता है वो एक बार संविधान को पढ़ ले, कट्टर हिंदू बोलना, कट्टर मुसलमान बोलना छोड़ देगा, क्लियर है, और इसी में कुछ नहीं रखा है। ओके जैसे अगला बात करते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26 क्या बोल रहे हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, कि आप धार्मिक कार्य का प्रबंधन, जैसे
नव दुर्गा आती है, भंडारा खिलाते हो तो धार्मिक कार्य हुआ कि नहीं हुआ? आप जो है क्या बोलते हैं, जुलूस निकालते हो, धार्मिक कार्य का प्रबंधन। अच्छा, इस प्रबंधन के लिए क्या करते हो बताइए? टेंट लगवाते हो, माता जी की मूर्ति करते हो और उसके बाद नौ दिन का उपवास रखते हो, ठीक है? हमारे छात्राएं नंगे पैर चलेंगी, कुछ लड़के भी हैं, ये मान्यता है कि सर जो पढ़ाएंगे तो बकवास है, नंगे पैर चलेंगे ज्यादा जीएस आ जाएगा, ज्यादा पॉलिटी आ जाएगा, सारे संविधान के अनुच्छेद पता लग जाएंगे, ठीक है? लेकिन हम कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो अगर नंगे पैर चल रहे हो तो ये भी तो प्रबंधन है। और इससे पहले आइए, किसी भी धर्म का मानना, आचरण करना और प्रचार करना, हमारी मान्यता है सर नव दुर्गा में नंगे पैर आएंगे, क्या करोगे? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? सिर्फ चिढ़ा सकता हूं तुम्हें, कुछ नहीं, ठीक है? चिढ़ाने की सजा नहीं दी गई, ठीक है? ये क्या अभिव्यक्त कर रहा हूँ, मैं तो अभिव्यक्त कर रहा हूँ, नहीं दे सकते, ठीक है? किसी देखिए, आपने देखा होगा कि धार्मिक कार्य में लोग क्या करते हैं, नौ दिन उपवास रहते हैं, कर सकते हैं, संविधान बोल रहा है। आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो जमीन में लेट जाएंगे नौ दिन और नौ दिन का उपवास रखेंगे, इतने अखंड, इतने बड़े धार्मिक लोग, बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि भारत में रह रहे हो और भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है। फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग परिपरिक्रमा करते हैं, लड़का और लड़की हमने देखा परिपरिक्रमा करते हैं, है ना? और उसके बाद क्या बोलते हैं, नारियल लेके अपने इष्ट देवता के स्थान तक जाते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, कौन बोल रहा है? और अगर आप बहुत ज्यादा संख्या में हो तो आपको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलता है, क्यों? क्योंकि संविधान कह रहा है ना? फिर जब एग्जाम आता है तो उससे एक रात पहले, यही रात भारी यही रात अंतिम, है ना? कोचिंग नहीं जाएंगे, कोचिंग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अंतिम दिन यही रात भारी यही रात अंतिम, है ना? रामायण से चुराया हुआ गीत, है ना, जो सन 1999 में हम लोग देखा करते थे, है ना? कल अगर मैं आप लोगों को मोबाइल देख लेता तो कम से कम मैंने कल काउंट किया 185 लोगों ने यही गाना लगा रखा था, 185 लोगों ने, है ना, 185 लोगों ने, मैंने कल काउंट किया, डेटा बनाया, ठीक है? अब वो 185 लोगों में से 150 हमारे छात्र, चलिए कुछ कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, स्टेटस डाल सकते हो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ठीक है? आए समझ में? ओके, आगे बात करते हैं। देखिए प्रबंधन में क्या क्या होता है, आपने देखा होगा भंडारा होता है, आपने देखा होगा कई लोग लहना बाबा में जाके भंडारा करते हैं, ठीक है? आप लोग देखते हो कि जब भी कोई पर्व आता है, हमारे कुछ छात्र ऐसे भी बैठे हैं जिनके बारे में बताना चाहूंगा कि वो कभी क्लास मिस कर दें, इतना बड़ा रिस्क लेते हैं कि क्लास मिस करते चलेंगे, अब कभी कोई दिन आता है पर्व आता है तो चले जाएंगे चित्रकूट, मतलब सुबह सुबह एकदम 5 बजे और यहाँ से लेके यहाँ तक का टीका लगा के आते हैं, ठीक है? क्लास मिस हो जाए चलेगा, लेकिन करना है। मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, क्यों? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। बोल सकते हो सर आप? कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अभी बताता हूँ, बोल सकता हूँ, इसी में है नीचे, ठीक है? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कहने का मतलब कि जैसे मान लो आप अपने, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, आप अपने धर्म को बढ़ाने के लिए जबरदस्ती किसी से टैक्स नहीं ले सकते, लेकिन चंदा ले सकते। टैक्स और चंदे में बहुत फर्क है। टैक्स का मतलब जो निर्धारित है, और चंदा निर्धारित नहीं है, वो आपके अपने मन से होता है, ठीक है? आपके अपने मन से होता है, ठीक है? वो आर्टिकल 27 का हनन है, वो जबरदस्ती पैसा है। संविधान कहता है कि किसी भी धर्म को, धार्मिक कार्यों को, अनुष्ठानों को बढ़ाने के लिए जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति से आप टैक्स नहीं ले सकते। हाँ, आप उसी पैसे को चंदे के रूप में ले सकते हैं, और हर व्यक्ति को ये इच्छा है कि चाहे वो चंदा दे या ना दे, इसे तो मिलता है। आया समझ में? अब आपको बता दें, चंदे के बल में ही आज पूरे विश्व में और भारत में ये जितने भी गुरुद्वारे हैं, 2 टाइम का भोजन पूरी जनता को खिलाते हैं, वो किसी से जबरन पैसा नहीं लेते। आपकी इच्छा है दो, नहीं इच्छा है ना दो। अच्छा, गुरुद्वारा में आप खाने जाते हैं तो आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि भैया चंदा दिया कि नहीं? नहीं,
और ये मेरे पूछते कौन सी कास्ट के कौन से धर्म के हो। अच्छा आपने ये भी देखा होगा कि हमारे भारत में इतनी ताकत है कि आप किसी भी मस्जिद किसी भी गुरुद्वारे किसी भी गिरजाघर में जा सकते हो और पूजा कर सकते हो अनुष्ठान कर सकते हो, कोई आपसे नहीं पूछेगा। और मैं आपको बता दूं ये वही लोग होंगे कि जो पूछेंगे कि यार बता हिंदू है कि मुस्लिम, जिनको अपने भविष्य से कोई लेना देना नहीं। और मैं आपको बता दूं यही लोग होते हैं जो बीच चौराहे में बाद में मार खाते हैं शिक्षित लोगों से। क्यों? क्योंकि जहां पर शिक्षित लोग अपना भविष्य बनाने को मतलब रेडी रहता है, अपना भविष्य बनाने में अपना जीवन लगा देता है, वहीं पर ये लोग हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। क्लियर है? ध्यान देना कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है जीवन में, ठीक है। हर व्यक्ति बराबर होता है, इस देश को चलाने के लिए हर धर्म के लोग बराबर का योग दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर इतना ज्यादा मतलब बोल सकते हो योगदान ना होता तो मुझे लगता है हमारे देश की आईटी कंपनी कितने नंबर वन में ना होती। होती क्या? ना होती। कितने पारसी लोग, कितने मुस्लिम लोग और कितने जो है क्या बोलते हैं हिंदू लोग और कितने सिख लोग। आज देखो सिख धर्म के लोग इतने ज्यादा आर्मी में आते हैं कि अलग से सिख रेजिमेंट है। उनका इतिहास देखकर दो तरह के रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, सिख लाइट रेजिमेंट, बताइए। तो हम कैसे अपने आप को बोल सकते हैं कट्टर हिंदू, कट्टर छोटी सी तुच्छ बातों को लेकर, छोटी सी तुच्छ बातों को लेकर कैसे हम बोल सकते हैं कि कट्टर हिंदू। अब राजनीतिक पार्टी ने क्या किया कि हमको अपने आप में लड़ाना शुरू कर दिया, अपने आप में जो है लड़ाना शुरू कर दिया। कट्टर हिंदू बनो, मुसलमानों को देखो मारो, भगवा पहनो, ठीक है। अब आप बताइए हिजाब, हिजाब जो है हमारे देश में हिजाब चल रहा था कि बहुत सारे मुस्लिम वर्ग के लोग उन्होंने बोला कि नहीं हिजाब हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे कुरान में लिखा हुआ है, हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है, हम पहनेंगे। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन शिक्षण संस्थाओं को यह अधिकार है कि वह अपने ढंग से प्रशासन कर सकते हैं। यही कारण है कि जहां भी शिक्षण संस्था होती है वहां पर उसका एक ड्रेस होता है और वह ड्रेस जात धर्म देखकर नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पर बहुत सारी मुस्लिम लड़कियों ने यह मना कर दिया कि नहीं हमारा जो हिजाब है हम हिजाब पहन के ही आएंगे, और शिक्षण संस्थाओं ने उन्हें आने से मना कर दिया क्योंकि शिक्षण संस्था के जो ड्रेस है पैंट शर्ट बेल्ट ब्लैक जूते ये पहन के चाहिए। लड़कियों के लिए जो ड्रेस है अगर उनका स्कर्ट है शर्ट है और या फिर सूट सलवार है वो पहन के चाहिए। क्यों? क्योंकि आप शिक्षा लेने जा रहे हैं, युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, या शिक्षा संस्थाओं में धर्म दिखाने नहीं जा रहे हैं। किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है, इसका निषेध है। फिर यहां पर उस धर्म को नीचा दिखाने के लिए एक और आते हैं कि हम भगवा का क्या बोलते हैं साफी पहनेंगे, गमछा डालेंगे। तो आपको बता दें स्कूलों में ये भी नहीं कहा जाता कि आप आइए और जो है क्या बोलते हैं गमछा पहनिए। सर अभी मेरा थोड़ा बाकी है, मैं कंप्लीट करूंगा सर, ठीक है। तुम्हारा खून खोलेगा लेकिन कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हो, संविधान सर्वोपरि। सुनिए, जिन छात्रों ने अपने आप को ये दिखाने की कोशिश की कि हम भगवाधारी हैं हम कट्टर हिंदू हैं, ये भी गलत था। ये भी उस स्कूल के नियम के बराबर मतलब विरोध में है। नियम स्कूल का नियम साफ साफ कहता है एक शर्ट है एक पैंट है स्कूल का बेल्ट है जूते हैं ये पहन के आइए आप। अब आप अपना हिंदुत्व दिखाने के लिए इसमें भगवाधारी को गमछा पहने ये भी तो गलत है, बताइए। इसकी चर्चा करेंगे आप, खून तो नहीं खोल रहा आज समझे। अच्छा अब आते हैं 28 में, ठीक है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना, कहने का मतलब कि व्यक्तिगत एक धर्म की बात किसी भी शिक्षा संस्था में नहीं होगी। ऐसा में अब आप देखो आपका सिलेबस देखिए, सिलेबस में आपको महाभारत और क्या बोलते हैं रामायण पढ़ाया जाता है। सीबीएसई में क्लास 7 में है महाभारत आई थिंक और क्लास 8 में है रामायण, उल्टा है। ओके हाँ ऐसे कुछ ओके। फिर आपने देखा होगा कि मुगल काल भी तो बताया जाता है, फिर आपने देखा कि क्या बोलते हैं इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ये भी बताया जाता है, ये भी तो बताया जाता है इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई, सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कर, ये चीज हम कर सकते हैं लेकिन व्यक्तिगत किसी एक धर्म की बात हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर तुम आओ और मैंने तुमको बोल दिया कि नहीं जय श्री राम बोलो तब आने दूंगा, नहीं ये तो हमने एक धर्म को ले लिया ना,
अब बहुत सारे लोग जो अपने आप को पढ़ने का दावा करते हैं, अशिक्षित लोग, लोगों ने बहुत सारे दंगे किए ये बोल के कि जब तक जय श्री राम नहीं बोलेगा तब तक जाने नहीं देगा। गलत है ये तो फिर उसकी धार्मिक स्वतंत्रता कहां हुई भाई? उसको बोलने का मन नहीं, कुछ जबरदस्ती बुलवा लोगे। इसका मतलब आप जो है आर्टिकल 25 का उल्लंघन कर रहे हैं। बहुत सारा आपने देखा होगा, क्लिप्स आई होगी, मैंने देखा फेसबुक बहुत सारी क्लिप आई है, एक बंदे को, मुस्लिम बंदे को ले लिया, किसी दूसरे धर्म के बंदे को ले लिया, जबरदस्ती उसे बोल रहे हैं बोल जय श्री राम। वो बंदा भी क्या करे, पता है कि एक ग्रुप में मारेंगे, बोल रहे हैं जय श्री राम। अब आप बताइए कितनी बड़ी, मतलब ये सोचने वाली बात है कि चार पांच लड़के आए हैं बोल रहे हैं बोल जय श्री राम गुस्से से एकदम, और बेल्ट वेल्ट हाथ में है, उसने सिर्फ एक शब्द में उनका गुस्सा शांत कर दिया, उसने बोला बोल श्री राम, उसे बोल जय श्री राम। अब बताओ क्या कर लोगे, तुमने बोला जय श्री राम, मैंने बोल दिया, खत्म बात। अब वो क्या सोच के आए थे, नहीं बोलेगा तो मारेंगे, अपने धर्म की बात इसको बताएंगे कि क्या हमारा सनातन धर्म है। आपको बता दें भारत के किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने का अधिकार है, और हमारा देश किसी संस्कृति के लिए जाना जाता है, ना कि खाली कट्टर हिंदू। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ शिक्षा संस्थाओं में आ गया था, देखिए शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं बताई जाएगी किसी भी एक धर्म के बारे में, लेकिन उसकी उपासना बताई जा सकती है, लेकिन एक का नहीं, सब धर्म। सिख धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है, तो ईसाई धर्म के बारे में भी पढ़ाया जाता है, उनके भी जो बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान हुए बताया जाता है ना, तो ये सब वही तो है। आया समझ में? आर्टिकल 28। अब हम आते हैं पांचवें प्रकार का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति कौन डिफाइन करेगा, संस्कृति क्या होता है, संस्कृति किसको बोलते हैं, क्या संस्कृति रीत को बोलते हैं, जो रीत रिवाज चले आ रहे हैं और हम उनको चला रहे हैं ये क्या है संस्कृति। हम अपने बड़ों का पैर छूते हैं संस्कृति, राखी बांधते हैं संस्कृति, है ना, अगर कोई गलत काम करेंगे पिताजी का जूता बजता है संस्कृति, ये भी संस्कृति है आपको बता दें। ठीक है, आओ देखिए गणेश चतुर्थी मनाना, ठीक है, कोई भी त्योहार को मनाना, किसी बातों को स्मरण करना, ये सब संस्कृति है। आपने देखा होगा कि हमारी जो शुरुआत है, हमारी शुरुआत ही संस्कृति से होती है ना। जो बच्चे जल्दी उठते हैं भगवान को नमन करते हैं, भगवान को नमन नहीं करेंगे तो इस सृष्टि को नमन करेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम इस जीवन में आया और इतनी जो नेचुरल चीजें ये देखने को मिली, इसका नमन करते हैं। कुछ अपने माता पिता को नमन करते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद आज आपकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं, है ना। कुछ नहीं उठते हैं तो पिताजी नमन करते हैं, है ना, ये भी संस्कृति है। तो इसी संस्कृति को आगे बढ़ाना हमारा अधिकार है। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक, अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, कि हमारे देश में जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी लिपि को संरक्षण देना। जैसे मान लीजिए मुस्लिम वर्ग अल्पसंख्यक है, उर्दू भाषा है ना, आपने देखा होगा जनजातीय लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, अच्छा उन भाषाओं को मान्यता भी दी गई, जैसे संथाली, बोडो, डोगरी, नेपाली भाषा, ठीक है, इनको मतलब संरक्षण दिया गया, लिपि भी संरक्षण दिया जाता है। आज सरकार अगर कोई आदेश निकालती है तो उस भाषा में भी निकालती है जिसका संविधान में वर्णन है, निकालती है ना, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कम होती जनसंख्या की वजह से उनका अस्तित्व खत्म ना हो जाए, यही कारण है कि सरकार आज अल्पसंख्यक जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित लोगों के लिए सरकार इतनी स्कीम निकालती ताकि उनकी जो संस्कृति है वो बढ़ती रहे, आगे चलती रहे और लोगों को उसका ज्ञान हो, और प्लस उनके खुद के सम्मान हो, गौरव हो, और उनकी जो संस्कृति जो लाखों सालों से नहीं बोल सकते, ठीक है, हजारों सालों से जो संजो के रखे हुए आगे भी वो चले। ऐसे में यानी अगर कोई व्यक्ति बांस का कोई उद्योग करता है, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता, बल्कि क्या करेगा, उसको बढ़ावा देने का काम करेगा। अब इसे गांव में सूपा बनता है तो कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि भाई सूपा ना बनाना, ठीक है, नहीं, ये तो उसकी संस्कृति है, ये उसका हुनर है, कला है जो उसको आगे बढ़ाना है। आया समझ में? उसके बाद देखिए
आपने देखा होगा कई सारे बंजारे लोग होते हैं रोड में, लोहे का काम करते हैं, आपने देखा होगा उनकी भाषा अलग होती है, होती है ना, आप उनकी भाषा नहीं समझ पाएंगे। आप देखो यार यहाँ पे बंजारे हैं रोड पे, ये इधर कौन सा वन विभाग जो कौन है, ये वन विभाग के पास, इधर हमारे जो है क्या बोलते हैं मंडी रोड में है। आप देखो आपसे ये आपकी तरह बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपसे बात करेंगे तो अपनी भाषा में, तो ये उनकी भाषा जनजातीय भाषा है, तो इनको संजो के रखना भी हमारा मौलिक अधिकार है। आगे बी, शिक्षक संस्था, शिक्षक संस्थाओं की स्थापना, स्थापना तो ठीक है, जरा इस पे ध्यान देना। प्रशासन, प्रशासन का मतलब है नियम और कानून लगाना। शिक्षक संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन अल्पसंख्यकों का अधिकार, कि जो अल्पसंख्यक है वो भी शिक्षक शिक्षण संस्था खोल सकते हैं, अपने नियम और कानून लगा सकते हैं और प्रशासन कर सकते हैं। अब ये बताइए, आपको बताया गया है 9 बजे से 12 बजे तक, 9 बजे आना 12 बजे छुट्टी मिलेगी, नियम है यानी हम प्रशासन कर रहे हैं। कुछ छात्र, बाहर वालों को नहीं बोलूंगा जो दूर से आते हैं, तुमको नहीं बोल रहा ठीक है, तुमने बोला मत जाना भाई, जो छात्र करबी के 1 किलोमीटर रेडियस में रह रहे हैं और वो बड़ी गुल्ले से रह रहे हैं, तब वही से है ना, हम कोचिंग थोड़ी जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं, वहां पे हमारा स्वागत किया जाएगा, सिद्धांत सर हमारे ससुर लगे। सुनो ध्यान, हमने यहाँ पे टाइम दिया, बच्चे 9 बजे आइए। आप क्या होता है कि आप 9 बजे नहीं आ पाते हो, बहुत कम भीड़ यहाँ पे रहती है, तो टीचर को उतना उत्साहित नहीं हो, क्यों, टीचर ये भी नहीं चाहता कि बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो, लेकिन आप इसी से सुधरे नहीं। हमने क्या किया, प्रशासन किया, हमने नियम बदला कि 9:20 के बाद कोई भी व्यक्ति अगर नहीं आ पाता है बाहर खड़ा रहेगा, तो हमको धमकी मिली कोचिंग छोड़ देंगे, छोड़ दो भाई छोड़ दो, है ना। कुछ लड़कियां बोली, सर कहो तो कल से ना आए, ना तू घर में रह, ठीक है, तो क्यों मेरे ऊपर इतना उपकार कर रही है भाई, तेरा पेपर तू ही देगी, मैं नहीं दूंगा, है ना, महिला कोटे से तुझे भी नौकरी मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी, मिलेगी क्या नहीं, इतनी गुंडई मत दिखाइए संस्था को कि तुम अपने हिसाब से चलोगे, ध्यान दीजिएगा। नाम बता दे क्या, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, शिक्षण संस्था के नियम कायदे कानून आपको फॉलो करने पड़ेंगे, आपको घर में खाना बनाना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, ये आपकी प्रॉब्लम है, शिक्षा की शिक्षण संस्था की प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी करके टाइम मैनेज कर दिए, इसी को जिंदगी का नाम होता है, इसी को बोलते हैं जिंदगी का नाम या जिंदगी जीना। इस मौके का फायदा उठाइए और धमकी ना दीजिए, और भाई गॉड जो भी व्यक्ति मुझे धमकी देता है ना, तो मुझे यही लगता है कि भाई तू खुला धमकी दे और तेरे को जो करना है कर ले। अरे रुक जाए यार, तुम भी उसी दायरे में आ रहे हो क्या, है ना, कि बुरा लग रहा है। 9:20 में गेट बंद होगा और पहले लेक्चर का नुकसान होगा, तुमको जो दिखाई देना है कर लीजिए, तुम्हारे ऐसे प्रधान की सरकार बनी हो या चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय की सरकार बनी हो चाहे कोई भी, ठीक है, क्योंकि सुन लीजिए राजनीति में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आर्टिकल तुम्हारे पर्सनल जो है दुख हो रहा है क्या तुमको, नहीं ना, ठीक है, इसलिए कि आर्टिकल 30 ने क्या बोला है, शिक्षक संस्था का स्थापना प्रशासन, और प्रशासन का मतलब ये नियम और कानून लगाना, ठीक है, आया समझ में, क्लियर है, तो कोई भी लड़का जो है थोड़ा सोच समझ के बोले, 9:20 के बाद सोच समझ के बोले, आर्टिकल 30 तुम्हें याद रहना चाहिए, कौन सा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, उसके ऊपर इसके बाद, देखिए इसके बाद एक अधिकार लास्ट वाला है, मैं और बता देता हूँ, देखिए संपत्ति के अधिकार को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, चल रहे ना अभी थोड़ा बचल रहे ना, संपत्ति के अधिकार को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 5वें के बाद था संपत्ति का अधिकार, हालांकि संपत्ति का अधिकार केशवानंद भारती केस से रिलेटेड है, लेकिन केशवानंद भारती केस अपने आप में बहुत बड़ा केस है, तो मैं इसकी क्लास आने वाले होली के बाद इसमें आपका पूरा एक मैराथन लूंगा कि वास्तव में केशवानंद भारती केस था क्या, और सरकार ने इस केस के तहत जो हमारा 6वां अधिकार था, 6वां मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के बना दिया गया कानूनी अधिकार, और अनुच्छेद 300 का में इसको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों किया गया, लेकिन आज सिंपल समझते हैं कि संपत्ति का अधिकार अगर मौलिक अधिकार रहता तो सरकार को बहुत ज्यादा विकास करना है, देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ सबका विकास करना है, नारा भी देखो दिया, सबका साथ सबका विकास, चित्रकूट में नहीं ये चला नारा, ठीक है, आया समझ में, चित्रकूट में ये नारा नहीं चला। अब सुनिए,
सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, मौलिक कर्तव्य भी ये कहते हैं, मौलिक कर्तव्य सॉरी डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हर राज्य अपने लोगों के लिए सोचेगी। अब ये बताइए, देश को सेना भी रखनी है, देश को पुलिस भी रखनी है, देश को विकास भी करना है, देश को सरकारी संस्थाएं भी खोलनी है, देश को ऑफिस भी खोलना है, तो कहां से आएगी जमीन? कहीं ना कहीं सरकार हमारी और आपकी जमीन लेकर उसमें हमारे ही फायदे के लिए, हमारे ही हित के लिए वहां पर सरकारी काम करवाएगी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कि सरकार जहां से कोई परियोजना ला रही है, या कोई रोड बना रही है, या रेलवे ट्रैक बना रही है, या कोई भी डिपार्टमेंट बना रही है, कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि जब नहीं देता मैं अपनी जमीन क्योंकि ये मेरा मौलिक अधिकार है, तो सरकार तो ऐसे केस ही लड़ती रहेगी, बस कोई विकास होता नहीं। तो सरकार ने इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हटा दिया कि ना रहेगा बांस और ना रहेगा बना बजेगी बांसुरी, कि ना रहेगा संपत्ति का मौलिक अधिकार और ना तो लड़ उस समय जब देश आजाद हुआ था तो बहुत सारे लोगों के पास 100 एकड़ 1000 एकड़ पूरा जिला पूरा राज्य था, राजा रजवाड़ों के पास बहुत सारी जमीनें थी। अब ये बताइए, अगर सरकार इसको कानूनी अधिकार ना बनाती तो जितने भी सरकारी ऑफिस हैं और जितने भी हमारी सुविधाओं के लिए हमारे ऑफिस बन रहे हैं, संस्थाएं बन रही हैं, सेना के लिए रहने के लिए जगह कौन देता? कोई नहीं देता भाई, सेना सबको पैर लगती है पर जगह कोई नहीं देता, देता क्या? कल को सरकार, ये बताइए सरकार अगर कोई भी चीज संविधान के बल पे ना ले तो मुझे लगता है कोई देने को तैयार नहीं रहेगा। अब आप बताइए, सरकार अगर बड़े प्यार से बात करती कि गांव वालों आपके पास इतनी जमीन है, आप थोड़ी थोड़ी जमीन दे दीजिए, पूरे राज्य का हित होगा, स्टेडियम बना देंगे, बच्चे तैयारी करेंगे, कोई देता क्या? नहीं देता, कोई नहीं देता। ऊपर सरकार के ऊपर क्या कर देता? केस कर देता और सरकार केस लड़ती रहती, और क्योंकि मौलिक अधिकार होता तो सरकार केस हार जाती, नतीजा इतना विकास नहीं हो पाता। सरकार ने क्या किया? जड़ ही काट डाली, हटाओ इसको, कानूनी अधिकार बना दो। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 को इसको मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया और आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया। आया समझ में? तो इससे हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई? 6। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6। अब पांचवी के बाद जो लास्ट में मतलब डिस्कस कर रहा हूं वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 31 क्या था? संपत्ति का अधिकार हटा दिया, बचा क्या? अनुच्छेद 32। अब देखिए आपको बता दे अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 ये कहता है, ध्यान सुनिएगा, आईएएस आईपीएस में इसका प्रश्न बहुत आता है। अनुच्छेद 32 ये कहता है कि जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो मौलिक अधिकारों के लिए लड़ना ये भी अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। मान लीजिए कि यहां पर मैंने किसी वर्ग को मना कर दिया कि भाई नहीं, आप कोचिंग नहीं आओगे, आपको हम नहीं पढ़ाएंगे, मौलिक अधिकार का हनन हुआ? हुआ ना। हमने बोला कि चलो आप जो है गोरे हो, आप गोरे हो, लिमिट से ज्यादा गोरे हो, मैं नहीं पढ़ा रहा, तो रंग देखकर क्या किया? विभेद। मैंने बोला कि आप जो है हिंदू मुस्लिम हो, मैं नहीं पढ़ा रहा। धर्म देखकर, आप जो है बिहार से आए हो, मैं नहीं पढ़ा रहा। जन्म का स्थान देखकर, यानी कोई भी व्यक्ति विभेद नहीं कर सकता। आया समझ में? और अगर कोई ऐसा करता है, इतने मौलिक अधिकारों का अगर कोई आपका हनन करता है तो आप उसको आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट घसीट सकते हो, जहां पर आपको मौलिक अधिकारों को क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी अगर आपको इतने सारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप अपने आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो, कोई भी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा। अब अगर ये बात, मैं तो हैरान हूं उस व्यक्ति के लिए जो गांव में रहता है और जो जिसका रोज मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मुझे लगता है कि उसको आर्टिकल 226 का पता लग जाए तो पूरे का पूरे गांव को वो जेल में कर दे, है ना। और बड़े दुख की बात भी है कि जो मैंने आपसे पूछा कि कौन किस लड़की के अंदर ये हिम्मत है कि ऐसे व्यक्ति को जाके हाथ मिलाकर गले लगे, बहुत कम लोगों ने हाथ खड़ा किया। ठीक है, इसका मतलब शिक्षा का अभाव है। आप देश का इतिहास पढ़िए और यहाँ से अपना लेक्चर खत्म करते हैं।